बेशक हमीरपुर जिला को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन भोरंज के भोटे गांव में एक परिवार खुले में शौच करने को मजबूर है। भोरंज विधानसभा के भोटे गांव के इस परिवार के 5 सदस्यों को इसलिए खुले में शौच जाना पड़ता है क्योंकि इनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है। इस परिवार में 25 साल और 20 साल की 2 बेटियां भी हैं। परिवार के मुखिया अमरचंद जो कि लंबर का काम करते हैं, उनकी माने तो उन्होंने 2008-09 में भोटी में बड़ी मुश्किल से 2 से 3 मरले में एक कमरा खड़ा कर सिर ढकने के लिए छत तैयार की थी। पास ही थोड़ी सी जगह में शौचालय बनाना चाहा तो पड़ोसियों ने अड़ंगा डाल दिया। मामला कोर्ट में चला गया। 2010 से लेकर आज तक वे कई बार जिला प्रशासन के अलावा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यही जवाब मिलता है कि मामला कोर्ट में है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इतना लाचार है कि उन्हें शौचालय बनाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकता। इन 9 से 10 वर्षों में क्षेत्र के विधायक भी बदलते रहे और जिला प्रशासन के अफसर भी। कईयों ने कोर्ट की दुहाई देकर पल्ला झाड़ा तो कोई आश्वासनों से टाइम काट कर चले गए। परिवार की मुखिया वीना देवी का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या यहाँ हुए जनमंच में भी उठाई थी। जब मुख्यमंत्री पहली बार भोरंज आए थे तो उन्हें भी परेशानी बताई थी। हर बार यही कहा जाता है कि कोई बात नहीं कर देंगे। वीना देवी की माने तो बरसात के मौसम में जब बेटियां खुले में शौच जाती हैं तो बहुत डर लगता है। जब स्थानीय विधायक से मिलते हैं तो कहा जाता है कि मामला कोर्ट में है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वीना देवी ने प्रशासन से उसकी समस्या का हल खोजने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में आज जिला बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 सड़क पर भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर गिरने से 2 जगह से रास्ता बंद हो गया है। एक तो छड़ोल के पास है और दूसरा पंचपीरी के पास बंद है। हालांकि सड़क बंद होने के कारण कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक और मणिकर्ण जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद है, सड़क खोलने का कार्य लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दिया है, लेकिन साथ में हो रही बरसात और मुश्किल पैदा कर रही है। अभी भी बरसात का दौर जारी है और सड़क बंद होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत रामपुर वन वृत्त के तहत शिंगला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शिक्षा व वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से चलाए जा रहे इस पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर पद्म सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद समेत अन्य न्यायिक एवं वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। पद्म सिंह ठाकुर ने स्कूली बच्चों को वनों के महत्व और भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधों की क्या भूमिका रहेगी विस्तार से बताया। उन्होंने स्कूली बच्चों को बताया कि जिन पौधों को वे रोप रहे हैं उनकी देखभाल का भी संकल्प लें और लोगों को भी वन संरक्षण के लिए प्रेरित करें। वन मुख्य अरण्यपाल अनिल ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत किन्नौर रामपुर आनी व कोटगढ़ के 15 स्कूलों का चयन किया गया है जहां 18 हेक्टेयर क्षेत्र में 20,000 पौधारोपण किया जाना है। ये प्रयास स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता लाने के लिए किया गया है ताकि वे वनों को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 व 7 में पढ़ने वाले बच्चे पौधारोपण करने के बाद जब तक वे 5-6 वर्ष संबंधित स्कूल में हैं पौधारोपण के बाद उनका ध्यान भी रखेंगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर निखिल अग्रवाल ने बताया कि पौधारोपण का शुभारंभ रामपुर के शिंगला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद्म सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान न्यायिक एवं वन अधिकारी भी मौजूद रहे। पौधारोपण के दौरान छात्रों को बताया गया कि वातावरण को स्वच्छ रखने में पेड़ पौधों का क्या महत्व रहता है। दूसरा स्कूल के 6ठी व 7वीं कक्षा के बच्चे पौधारोपण करेंगे तो वे 12वीं कक्षा तक स्कूल के आसपास रोपे गए पेड़ पौधों का ख्याल भी रखेंगे। करीब 500 पौधे लगाए गए। स्कूली छात्रा संध्या शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत शिंगला स्कूल के आसपास पौधारोपण कर रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मौजूदा
परिपेक्ष में पेड़ पौधों का कितना महत्व है वे बखूबी जानते हैं, इसलिए वे पौधे लगाकर इनका संरक्षण भी करेंगे और लोगों को भी पर्यावरण व संरक्षण के प्रति सचेत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के 3 से अधिक स्थानों पर नदी नालों में वीरवार सायं बाढ़ व बादल फटने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जो अब तक सामान्य नहीं हो पाया है। वीरवार शाम से देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना में 3212 मेगावाट की 4 जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन ठप कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह बासपा नदी में बनी बासपा 2 300 मेगावाट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है। बीते शाम सतलुज नदी व स्पीति नदी संगम स्थल खाव में सतलुज का जल स्तर 170 क्यूमेक्स और सिल्ट 8305 पार्ट पर मिलियन, स्पीति नदी का बहाव 285 क्यूमेक्स व सिल्ट 1270 ppm था, लेकिन सतलुज नदी में नीचे की ओर कानम आसपास नालों में बाढ़ के कारण सिल्ट की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जिससे जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन को रोकना पड़ा। परियोजना निर्माताओं ने बांध के द्वार खोलने के साथ नदी तट पर बसे लोगों को सचेत कर दिया था। जैसे ही सिल्ट की मात्रा कई हजार पार्ट पर मिलियन हुआ, करछम बांध में फिर से पानी भरना आरंभ कर दिया गया। नाथपा बांध स्थल पर अब भी 16,000 ppm सिल्ट है। जब सिल्ट 5,000 ppm से नीचे होगा, तभी बिजली उत्पादन संभव होगा। दूसरी ओर नेशनल हाईवे 5-2 स्थानों पर अवरुद्ध है। पूर्वनी को जोड़ने वाले तांगलिंग पुल भी बह गया है। कानम नामक स्थान में बाढ़ की चपेट में आने से एक पिकअप भी बह गया। आज किन्नौर जिला के ऊपरी क्षेत्र कानम मुरंग नाला तंगलिंग और सांगला घाटी के टोंग तोंगचे नाला में बादल फटने के बाद बनी बाढ़ की स्थिति से जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करना पड़ा है। मुख्य महाप्रबंधक 1500 मेगावाट की नाथपा जागरी संजीव सूद ने बताया कि कल शाम 8 बजे के आसपास किन्नौर के पू उपमंडल में बादल फटने की सूचना मिली थी। इससे किन्नौर के पोवारी नामक स्थान में सतलुज नदी में सिल्ट काफी अधिक हो गई थी। ऐसे में उन्होंने बताया कि पहले 1000 मेगावाट की करछम बांगतू परियोजना बंद की गई, उसके बाद उन्होंने भी एहतियात के तौर पर 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी और 412 मेगावाट की रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। उम्मीद है कि आज शाम तक सिल्ट कम होगी।